अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। अच्छा, ये सुबह का टाइम है। आज जो है वो स्कूल की छुट्टी थी, वरना तो मैं स्कूल जाती हूँ। आज मैं लेट उठी 11 बजे सोकर, उसके बाद मैंने अपने लिए एक एग बनाया, 2 ब्रेड टोस्ट करे, से तवे पर ही सेका और एक मज़ेदार से चाय का कप के साथ मेरे दिन का आगाज़ हुआ। और आज का दिन इतना मसरूफियत से भरा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि सुबह से उठ के ही मुझे कामों पर लगना पड़ा, कभी ये काम कभी वो काम, और करते करते मुझे पूरी रात हो गई। मतलब बहुत टाइम लगा, मुझे रोटियाँ बना रही थी मैम सबके लिए। और यहाँ पर अच्छा मैं बताती हूँ, पता है यहाँ पर मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी हूँ। यहाँ पर साले ने रात का बचा हुआ सब इसी के साथ ही रोटियाँ जो है वो अपनी खा रहे थे। और अगर आप एक तरफ से रोटी को कम सेको और एक तरफ से जो है वो हल्की आंच पर आप करो, और फिर उसको तेज़ आंच करके तवे को साइड पे करके आप रोटी को सेको ना, आप यकीन करें आपकी रोटी जो है वो पूरी फूल जाती है। इतनी अच्छी मज़ेदार सी ना फूली फूली रोटी बनती है। और आपको पता है इमरान खान को गिरफ्तार कर रही है, वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्राइक हो रही थी हमारी साइड पर। यहाँ पर लोग जो है वो जमा हो रहे थे, इतनी ज़्यादा शैलिंग वगैरह, उसका जो धुआं होता है ना वो हमारे घर पर भी आया। और ये रात का वक्त है, मैं सालन बना चुकी तब मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे भी बनानी है, हमेशा याद ही नहीं आता। और ये सालन डन हो चुका था, आलू पालक मैंने बनाया था, मुझे सालन बनाना नहीं आता मोस्टली, लेकिन मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए आप ज़रा, ऊपर धनिया छिड़का हुआ है, जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी इतना अच्छा, क्योंकि मैंने ये वीडियो से पहले ही अपलोड कर दिया था। और यहाँ मेरी अम्मी के लिए निकाला था बग़ैर नमक वाला सालन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और यहाँ पर मैंने अपने भाई को दोपहर में बना के दिया था पराठा, और उसने ऐसे ही छोड़ दिया, और साथ में सारे बर्तन। और मैंने आपको बताया मेरा दिन बहुत मसरूफियत से गुजरा, मैं सुबह से लगी हुई थी काम में, और इतने सारे ढेर सारे और ऊपर भी मैंने जो है बर्तन धो कर, मैं जितने धो के जाते हैं यार उतने बर्तन और कहाँ से आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। पता नहीं बर्तनों को क्या वो लगता है कि भाई दो जाएंगे तो चार उठ कर भी आ जाते हैं बर्तन। और यहाँ पर आटा रखा हुआ है, अभी रोटियाँ बनानी है। तो इसी तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।